बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बीती रात लूटपाट के दौरान एक स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। गनीमत रही कि इस घटना में स्वर्ण व्यवसायी बाल बाल बच गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया पुरानी दुर्गा स्थान के समीप की है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी दिलीप पोदार प्रत्येक दिन की भांति अपने कर्मचारी ओम प्रकाश के साथ दुकान को बंद कर वापस अपने घर जा रहे थे। इस दौरान पुरानी दुर्गा स्थान के निकट बाइक सवार तीन अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी ओम प्रकाश से थैले की मांग की। जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तब अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली ओम प्रकाश के पैर में लग गई। गोलीबारी के बाद लोग वहां जमा होने लगे, तब अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल ओम प्रकाश को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां अब वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन लगातार हो रही घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और सब साथ ही आ रहे हैं, समझे, दुकान बंद करके। मेरे बाप हाथ में झोला था दुकान का, जिसमें पैसा सोना चांदी जो भी हम डेली उसको लेके चलते हैं उनके घर पर। सब बिजली बाबू हम सब साथ हैं। उसके बाद जो है जब हम गली में पहुंचे, दुर्गा स्थान के गली में जाने के लिए घर, एक सैलून का दुकान है वहीं जो है एक रैंडम पीछे से मोटरसाइकिल से तीन आदमी था, समझे, तीन आदमी था और हमको बोला ऐ रुको, हम कहे ऐसे चलो तो बस वो हमको गोली चला दिया। लेकिन हम थैला हाथ से छोड़े, जब हम देखे कि वो पैर से बहुत ज़्यादा खून जा रहा है तो इनको जो है हम झोला अथी पटक दिए, रोड पर लीजिए झोला पकड़िए, हमको गोली लग गया, हम दोनों हाथ से अपना पैर पकड़े।